इमाम हुसैन की, जिनके बारे में कभी गांधी ने कहा था कि अगर मेरे पास हुसैन जैसे 72 साथी होते तो मैं भारत को 24 घंटे में आज़ादी दिला देता। इमाम हुसैन दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने 10 मुहर्रम सन 680 ईस्वी में करबला में जो कुर्बानी पेश की, उसकी वजह से वो रहती दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गए। इमाम हुसैन की शख्सियत कितनी बड़ी है उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में जितने भी धर्मगुरु गुजरे हैं वो अपने धर्म के लोगों के बीच काफ़ी मशहूर रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन का मामला बिल्कुल अलग है। मुसलमान तो इमाम हुसैन के दीवाने हैं ही, लेकिन गैर मुस्लिम भी उनकी बहादुरी, हिम्मत और हौसले की तारीफें करते नहीं थकते। इतिहास में ऐसे बहुत से नॉन मुस्लिम स्कॉलर, फिलोसोफर, इतिहासकार, साइंटिस्ट और फ्रीडम फाइटर गुजरे हैं जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को लेकर ऐसे बयान दिए जिन्हें सुनकर दुनिया दंग रह गई। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इमाम हुसैन से काफी प्रभावित थे। उन्होंने भारत की आज़ादी का मंत्र हुसैन की जिंदगी को पढ़कर हासिल किया था। गांधी लिखते हैं कि मैंने इमाम हुसैन से ही सीखा है कि जब आपके ऊपर जबर हो रहा हो, उत्पीड़न हो रहा हो, तब भी कैसे जीत हासिल की जाती है। एक बार उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत को एक सफल देश बनना है तो उसे इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलना होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुसैन की कुर्बानी का बखान कर चुके हैं। साल 2021 में उन्होंने हुसैन की शहादत को याद करते हुए एक ट्वीट किया कि आज हम हजरत इमाम हुसैन के बलिदान और उनके साहस और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद करते हैं। उन्होंने समानता और भाईचारे को बहुत महत्व दिया था। 2018 में उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि इमाम हुसैन ने अन्याय को स्वीकार करने के बजाय खुद को बलिदान कर दिया। वो शांति और न्याय के उसूलों में अडिग थे। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इमाम हुसैन के बारे में कहते हैं कि इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक देश की विरासत नहीं बल्कि पूरी मानव जात के लिए भाईचारे का संदेश है। अफ्रीका में अश्वेतों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब विरोधी सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और 20 सालों तक जेल की कैद में रखा, तभी एक रात मैंने सरकारी शर्तों को मानने का फैसला किया, लेकिन उसी वक्त मुझे इमाम हुसैन और करबला का वाक्या याद आ गया। हुसैन ने मुझे हक और आज़ादी के लिए खड़े रहने की हिम्मत दी। ये वही नेल्सन मंडेला थे जो बाद में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। सिखों के मशहूर गुरु गुरु नानक जी ने एक बार अपने एक शागिर्द से कहा था कि हजरत इमाम हुसैन का मातम मनाया करो। इस पर उनके शागिर्द ने कहा कि वो तो मुसलमानों के रहनुमा हैं। इस पर गुरु नानक ने कहा कि हुसैन हर जमीर वाले लोगों के गुरु हैं। हुसैन क्या है, इस पर सदियां बहस करती रहेंगी। इंसानियत का सूरज जब तक कायम है, हुसैन उसके रोशन बाप बने रहेंगे। हुसैन की अहमियत का बखान करते हुए भारत के मशहूर लेखक और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि इंसाफ और सच को जिंदा रखने के लिए हमें आर्मी और हथियारों की जरूरत पड़े, बल्कि इसे कुर्बानी के जरिए भी जिंदा रखा जा सकता है, जैसे कि इमाम हुसैन ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर की तरह ही भारत की मशहूर लेखिका सरोजनी नायडू लिखती हैं कि मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि उनकी ये खुशकिस्मती है कि उनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती इमाम हुसैन पैदा हुए, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर दुनिया भर के तमाम जाति समूह के दिलों पर राज किया और करते रहेंगे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले अधिकतर लोग हुसैन की शिक्षाओं से प्रभावित थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हुसैन का जिक्र करते हुए कहा था, इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम गिरोहों और समाज के लिए है और ये कुर्बानी इंसानियत की भलाई की एक अनमोल मिसाल है। देश के एक और राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बार यहाँ तक कह दिया था कि अगरचे इमाम हुसैन ने सदियों पहले अपनी शहादत दी, लेकिन उनकी पाक रूह आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। इन सब के अलावा दुनिया में बहुत से गैर मुस्लिम धार्मिक स्कॉलर, लेखक, मजहबी रहनुमा, साइंटिस्ट और राजनेता गुजरे हैं जिन्होंने हुसैन के बारे में ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें सोचकर जहनियत दंग रह जाती है। इमाम हुसैन सिर्फ एक मजहबी रहनुमा नहीं थे बल्कि उन्होंने इंसानियत को जो पैगाम दिया उसने आज करोड़ों इंसानों की जिंदगी तब्दील कर दी है।
हुसैन की शहादत आज पूरी दुनिया के मजलूम इंसानों के लिए रहनुमाई का जरिया है। इस रूए जमीन पर जब तक इंसानियत जिंदा है, तब तक हुसैन लोगों के दिलों पर राज करते रहेंगे। हुसैन की शहादत और उनकी कुर्बानी पर हम इंडियन मुस्लिम उन्हें सलाम पेश करते हैं। अगर इमाम हुसैन के बारे में सुनकर आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।